सर ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स किस प्रकार सॉल्व करें? बहुत लोगों के मन में ये डाउट आते हैं कि सर ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स किस प्रकार सॉल्व करें। समझिए बात को, बात समझिए। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिकल, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। बेसिकली फिजिकल में होता है क्या कि न्यूमेरिकल्स, फिजिकल में न्यूमेरिकल्स जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, अगर नहीं भी है तो फिर हल्का सा अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो फिर न्यूमेरिकल्स बन जाता है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक का हम बात करें तो ऑर्गेनिक में क्या होता है कि कुछ लोग ट्रेड्स फॉलो करते हैं और साथ ही साथ अगर बात करें मतलब रट के या थोड़ा सा रीडिंग करके पढ़ के समझ के हो जाता है, फर्स्ट है लोग ऑर्गेनिक में, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं। अगर बोले स्टूडेंट का माने तो एक्सेप्शन आ जाते हैं, सर मैकेनिज्म होता नहीं है हमसे, कैसे मैकेनिज्म सब लोग कर लेते हैं। तो देखिए बात समझिए होता क्या, आप लोग मैकेनिज्म आप लोग से इसलिए नहीं होता है ना क्योंकि आप लोग ने अपना बेसिक स्ट्रांग नहीं किया। बेसिक्स बोले तो सर वो तो सब बोलते हैं बेसिक स्ट्रांग नहीं, बेसिक तो स्ट्रांग कैसे करें। देखिए सबसे पहला बात ऑर्गेनिक लिए आपको सबसे पहले क्या स्ट्रांग होना चाहिए, IUPAC। अगर आपका IUPAC नेमिंग स्ट्रांग है तो आपका कंपाउंड पर पकड़ बहुत अच्छा रहेगा। IUPAC नेमिंग से मतलब है कि IUPAC नेमिंग और साथ 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 कॉमन नेम, ये दोनों स्ट्रांग होना चाहिए तब आपका कंपाउंड पर पकड़ आएगा। दूसरा चीज़ समझिए बात ध्यान से समझिए, IUPAC नेमिंग मतलब जिससे आपका कंपाउंड पर पकड़ रहेगा। दूसरा चीज़ इफेक्ट मीन्स इंडक्टिव रेजोनेंस मेजोमेरिक हाइपर कंजुगेशन, ये सब आपका पकड़ होना चाहिए ताकि आपको पता चले कोई कंपाउंड में कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है। अगर इफेक्ट कौन कौन सा लग रहा है मतलब आपको समझ में आया कंपाउंड के साथ क्या क्या गेम चल रहा है, ठीक है। तीसरा रीअरेंजमेंट आना चाहिए और आप हर एक जितना भी आयंस बन रहा उसको जैसे कार्बोकेटायन कार्बोएनायन ये बन रहा इसका हरकत सब इफेक्ट सबको समझ में आएगा डिटेल में, ठीक है। और मतलब इसको अगर कंबाइंड हम बोले तो जीओसी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका जीओसी तगड़ा है IUPAC जीओसी तगड़ा है और साथ साथ में आइसोमेरिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर एक चैप्टर के ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर में आपको देखने मिलेगा आइसोमेरिज्म। अगर आइसोमेरिज्म जीओसी और IUPAC आपका स्ट्रांग है तो फिर आपका कोई भी ऑर्गेनिक स्ट्रांग होने से रोक नहीं सकता, कोई भी टीचर को छोड़ करके। अगर टीचर आपका मतलब मेंटर्स खराब है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, मतलब मेंटर्स भी अगर आपको झोला छाप रिएक्शन सिखा रहा है तब कुछ नहीं। अगर आप ये तीनों बढ़िया सीख गए, इसके साथ अगर एक चीज़ और आता है रिएक्शन मैकेनिज्म जिसको सीखा जाता है ताकि आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ये सब के बारे में समझ सके कि कैसे क्या अटैक करना, मतलब IUPAC GOC आइसोमेरिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म, आप ये चारों सीख लिए तो आप कोई भी बुक के चैप्टर उठाएंगे रिएजेंट उठाएंगे आपको समझ में आने लगेगा कि कैसा चीज़ है क्या है कहाँ अटैक होगा कैसे होगा कहाँ से कोई मतलब कोई भी ग्रुप लीव करेगा। समझ में आ रहा है आपको सारा मैकेनिज्म लाइन से समझ में आने लगेगा, सब कुछ आप डिटेल में समझ जाइएगा और आपको ऑर्गेनिक बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो अगर ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम्स ना अगर 10 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने में हार्डली से हार्डली 3 से 4 मिनट लगना चाहिए अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आता है तो, नहीं तो फिर नहीं बनेगा छोड़ दीजिए। समझा?